जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा UGC नेट के लिए क्या कर दिया गया है, 2023 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम होना है तो उसका नोटिफिकेशन यहां पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू बिगिनर हो तो बेसिक से चीज़ को जानिए, आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप आने वाले समय पर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, PhD के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट गाइडलाइन NTA के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात किया गया, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले बात कहा गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट की बात कराए और थ्रू NTA वेबसाइट की बात करेंगे तो UGC NET NTA AC.in पर 30 सितंबर 2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 28 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद में इंपोर्टेंट जान लिया आपने, फिर उसके बाद में निकल के आता है यहां पर दूसरा है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 के रात के 11:50 तक आप फॉर्म फीस को पे कर सकते हैं। 28 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और 29 अक्टूबर इसका फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट हो गया। अब फीस की बात करेंगे, अब स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि फॉर्म फीस क्या है, तो फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व को 1150 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लास OBC NCL के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है और शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST के लिए और पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD बेस के अंतर्गत पे 325 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस आपको पे करनी है। फॉर्म फीस इंपॉर्टेंट डेट जान लिया, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब तक इसका फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है, कैटेगरी वाइज इसका फॉर्म फीस क्या है, ये चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पे जान लिया। अब देखिए, करेक्शन की बात करें तो करेक्शन इन दी पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन ओनली, केवल आप करेक्शन ऑनलाइन के बेस में कर सकते हैं 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 11:50 मतलब रात के 11:50 तक, 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद की बात करें तो इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो वो बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बाद में जो चीज़ वो बाद में आता है इसका कोई नहीं है। उसके बाद में देखते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्जाम हो जाएगा 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक आपका NTA का एग्जाम हो जाना है। कब से कब तक, ये चीज ध्यान रखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक आपका NTA का एग्जाम हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अवधि कह रहे हैं तो 180 मिनट का टाइम दिया जाता है, 3 घंटे का पेपर फर्स्ट, जैसे कह रहे हैं कि नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, कोई ब्रेक पेपर के अंतर्गत पर फर्स्ट और सेकेंड के अंतर्गत पर नहीं दिया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। जो न्यू बिगनर है उनको मैं बताना चाहूंगा, जो पहले से प्रिपरेशन करे, जो एग्जाम देते हुए आए तो उनको वो तो जानते हैं कि कैसे इसके अंतर्गत पे एग्जाम होता है। तो बीच में आप एस्पिरेंट कंफ्यूजन होते हैं, 180 मिनट है, 3 घंटे का पेपर है, क्या इसके अंतर्गत पे एक पेपर के बाद में दूसरे का लंच ब्रेक कुछ एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पूरा आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 1 घंटे के अंतर्गत आपको पहला पेपर करना होता था, फिर ब्रेक दिया जाता है, फिर दूसरा पेपर, अब साथ में इंक्लूड कर दिया है तो आपके पास में एक्स्ट्रा मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स खींचने के लिए लेने के लिए आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है क्योंकि दोनों पेपर एक साथ में होते। तो ठीक है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट में होता है तो आपका मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट की बात करें 3 बजे से लेकर 6 बजे का आपका ये शिफ्ट होता है इसके अंतर्गत पे। जैसे कि कह रहा है कि एग्जाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट की बात करें तो वो बाद में जब इंडिकेट किया जाएगा ऑन दी एडमिट कार्ड के बेस में, ठीक समझ गए होंगे। और उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट की बात करेंगे तो 10 जनवरी 2023 को आपको ये 2024 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। न्यू बिगिनर हो और एक चीज़ ध्यान रखो कि जो आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट 2-3 वेबसाइट दिए गए, आप किसी से भी कर सकते हो, वैसे तो शॉर्ट है NTA.AC.in पर करके, ठीक है, नहीं तो आप देखना चाहते हैं UGC NET NTA AC.in या UGC NET NTA online.in पर जाकर भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है इसके अंतर्गत पर ही मैंने 80% प्रोवाइड कर दिया, अब कुछ चीज़ें अब इसके अंतर्गत पर बसती हैं तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब देखिए स्टूडेंट न्यू बिगनर, ये चीज़ को ध्यान रखो कि जैसे पहला पेपर होता है तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है जिसके अंतर्गत पर 100 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर जो फर्स्ट होता है तो 50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होते हैं। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट जो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा, जो भी लगभग 100+ सब्जेक्ट चलती है तो उसके अंतर्गत पर अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100
क्वेश्चन होती है और 200 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, तो मान के चलिए आपका 300 का पूरा पेपर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत पर 3 घंटे के अंतर्गत पर आपको क्या करना होता है, 3 घंटे के अंतर्गत पर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। पर अगर बात करें तो पर 2 मिनट के अंतर्गत पर एक क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा टाइम इसके अंतर्गत पर दिया जाता है और माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत पर नहीं होती है, ठीक है ना। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जानने के लिए, ताकि अब आने वाले समय पर अगर आप प्रिपरेशन करो तो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चीज़ों में डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि पीडीएफ में उतना है नहीं। और जैसे कि बात करेंगे तो JRF के लिए, ठीक है ना, PhD जिसको कहा जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, और इसके अंतर्गत पर आपके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 31 होना चाहिए। और एनी जो नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में केवल कितना नेट के लिए, कोई एज लिमिट का प्रोविजन यहाँ पर नहीं किया गया, आप दे सकते 31 से प्लस वाले बेस के अंतर्गत पर देते रह सकते हैं। लेकिन JRF के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंटली रूप से आपकी जो एज लिमिट है 31 होना चाहिए JRF के लिए। और इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स अगर इसके बाद में कंपलसरी होना चाहिए तब वो इसके लिए एलिजिबल है, और शायद ST SC की बेस के अंतर्गत 50% एवरेज मार्क्स होने चाहिए तब वो इसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है ना। पास होना चाहिए सब्जेक्ट से, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इस वाले बेस में। वैसे तो इंपॉर्टेंट NTA का जो और एग्जाम सेंटर, तो जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे स्टेट डालेंगे तो आपका जिले के अंतर्गत पर ऑटोमेटिक एग्जाम सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर कोई वैसे तो इंपॉर्टेंटली आपके जानने के लिए अगर मैं बात करूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किया गया, तो इंपॉर्टेंट जो डेट संबंधी था, फी फॉर पेमेंट संबंधी, एग्जाम संबंधी और कैसे एग्जाम होता और आपके क्वालिफिकेशन क्या चीज़ होनी चाहिए, सॉलिड रूप से मेरे द्वारा यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, जो NTA के द्वारा प्रोवाइड किया गया था वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया। आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे।